भाजपा के नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जूता फेंकने का एक वायरल वीडियो सामने आया है। शिवराज सिंह चौहान जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी मंच पर उनके सामने से एक जूता उड़ते हुए दिखाई देता है। हालांकि बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस उनको घेर लेती हैं, जूता फेंकने वाले को पकड़ने की कोशिश जारी हो जाती है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने फिरकी ली है। उन्होंने कहा है, मुख्यमंत्री पर जूते नहीं चलने चाहिए, मैं इस मामले की कड़ी निंदा करता हूँ। आप आने वाले चुनाव में शिवराज चौहान जी को इनके घर बैठा दीजिए, पर जूते चलाना उचित नहीं है। दोस्तों, एक तरफ कांग्रेस के नेता वीडियो शेयर कर फिरकी ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग सोशल मीडिया पर ये भी बता रहे हैं कि ये वीडियो पुराना है। एक यूजर ने सन 2018 में 3 सितंबर को ये वीडियो शेयर किया था। ये वीडियो शेयर करते हुए 2018 में पीयूष नाम के एक यूजर ने लिखा था, झूठी घोषणाओं के लिए मशहूर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर सीधी में फेंकी गई चप्पल और लगे शिवराज सिंह वापस जाओ के नारे। इस वायरल वीडियो पर लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। कुछ लोग तो मुख्यमंत्री शिवराज पर मजाक उड़ा रहे हैं, वहीं कुछ लोग इस वीडियो के तथ्य पर बात कर रहे हैं। एक यूजर ने कहा, वीडियो पुराना है, तो वहीं दूसरे ने कहा, एडिटेड तो नहीं लग रहा। वहीं अमिताभ भिदुरी नाम के यूजर ने कहा कि हो सकता है ये वाला शिवराज जी ने खुद चलवा दिया हो, लोगों की सिंपैथी बनी तो शायद फिर से सत्ता में आने का सपना देख रहे हो। जबकि एक यूजर ने फिरकी लेते हुए कहा, मैं इस पूरे मामले की कड़ी निंदा करता हूँ, वोट भले ही ना दे पर जूते ना मारो। सीमा प्रसाद कहती हैं, कोई जूते से ना मारो इस जाने वाले को, वोट की चोट ही काफी है इन्हें भगाने को। अमरीश नाम के यूजर ने कहा, सहमत, मैं इस घटना का कड़े शब्दों में विरोध दर्ज करता हूँ। 5 साल में एक दिन हम जनता का दिन होता है, चुनाव वाला दिन, उस दिन हमें अपने मत का उपयोग किया जाना चाहिए। वहीं आर के मिश्रा कहते हैं, रुझान आने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, एक मुख्यमंत्री पर ऐसा जूता चलने वाले मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।